हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नीम फेस पैक। गाइस, समर आने के साथ साथ ना हमारे फेस में बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, लाइक रैशेस, एक्नी एंड पिंपल्स। स्पेशली ऑयली स्किन वाले को एंड टीनेज टाइम पे हमें ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सो मैं अपने फेस में रिसेंटली नीम फेस पैक अप्लाई करना शुरू किया है एंड इससे मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए सो दैट आपको भी इसका बेनिफिट मिले एंड आप भी आपके फेस के जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है उसे क्योर कर पाए। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप भी ये सब प्रॉब्लम फेस करते हो तो। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। विदाउट एनी मोर वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स क्विकली गेट इन टू द वीडियो। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नीम पाउडर। आप फ्रेश नीम लीव्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर मार्केट वाला नीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ नीम पाउडर लिया है एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लर यानी कि बेसन। देन मैं इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करूँगी यानी कि हल्दी एंड देन मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश कर्ड यानी कि दही। देन मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के एक थिक पेस्ट बना लूँगी। आपको हमेशा फेस पैक थोड़ा थिक बनाना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा लिक्विडी टाइप ऑफ बनाओगे तो इसको फेस में अप्लाई करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा फेस पैक रेडी है। नाउ हम इसको फेस में अप्लाई करेंगे एंड आपको हमेशा फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, देन आपको फेस में इसको अप्लाई करना है। नाउ मैं इस फेस पैक को एक ब्रश के हेल्प से अपने फेस में अप्लाई करूँगी। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर्स के हेल्प से भी इसको यूज़ कर सकते हो। इस फेस पैक का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट था वो था नीम। नीम में होते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमारे फेस में एक्नी, पिंपल्स एंड रैशेस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड किया था ग्राम फ्लर। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो आपके फेस में डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो आपके फेस में ऑयल कंट्रोल करते हैं एंड पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड किया था हल्दी। हल्दी भी आपके फेस में नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो आपके फेस को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो आपके फेस में एक्नी स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं एंड आपके जो स्किन के कम्प्लेक्शन है उसको लाइटन अप करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्टली हमने इसमें ऐड किया था कर्ड। कर्ड हमारे फेस में डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करते हैं एंड इसके साथ साथ हमारे लार्ज पोर्स के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो हमारा जो स्किन का टेक्सचर है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो कर्ड हमारे फेस को मॉइस्चराइज रखते हैं एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी मैं अपने फेस में बहुत अच्छे से फेस पैक को अप्लाई कर चुकी हूँ। नाउ मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी एंड हम इसको फेस में 10 to 15 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आफ्टर 10 to 15 minutes आप देख सकते हो ये फेस पैक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है एंड नाउ मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। सो आफ्टर वॉशिंग माई फेस, मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग फील हो रहा है। एज़ यू कैन सी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है इसको अप्लाई करने के बाद एंड देन मैं फेस में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी सो दैट हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए एंड नाउ यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। सो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड गाइज ऑल्सो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी उन सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टूडेज। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड आई लव यू ऑल।